तो व्हाट्सअप में यूट्यूब फैमिली, दिस इज अ फ्रेंड मोहित फ्रॉम माइक सेटिंग लॉग। तो गाइस आज मैं आपको लेकर आऊँ सुशील कार बाजार पे, जो कि इनका सेकंड शोरूम है लोकेटेड गुड़गांव में। एंड आज के लोग में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी नई कार कलेक्शन, जिसमें आपको अनरजिस्टर्ड कार दिखाएंगे, लेस ड्रिवन कार दिखाएंगे और बहुत ही कम चली गाड़ियां दिखाएंगे। सारी कार की डिटेल के लिए अब मैं आपको मिला दूं पहले अंकित भाई से। अंकित भाई कैसे यार? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई। एकदम बढ़िया। तो अंकित भाई आज के लोग में मतलब यार कार कलेक्शन सारी जबरदस्त है भाई। भैया आज की कार कलेक्शन बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज की गाड़ी में मैं आपको एक अनरजिस्टर्ड कार भी दिखाऊंगा और कुछ ऐसी कार भी दिखाऊंगा जो न्यू कार शोरूम में तो वेटिंग पे है पर यहाँ पे खड़ी है। अच्छा। और बहुत बढ़िया बेहतरीन प्राइसेस में। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे जितनी हम यहाँ पे कूल कार कलेक्शन दिखाते हैं, एक बार इंस्टाग्राम पेज और एक बार नंबर हो जाए भाई आपके। भैया नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है और इंस्टाग्राम पेज हमारा सुशील कार बाजार के नाम से इंस्टाग्राम पे। साइड में इधर पेज आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। आपको मीडियम सेगमेंट की गाड़ी चाहिए, इवन आपको लग्जरी कार भी चाहिए, तो सारी आपको भाई के पेज पे देखने को मिल जाएगी। भाई को फॉलो करना एंड मुझे फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आपको मिलेगी इन सारी गाड़ियों की शॉर्ट फॉर्म की रील्स देखने को। तो चले गए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। आज के ब्लॉग की सबसे पहली गाड़ी जो हम आपको दिखाने वाले भाई, नो डाउट अंकित भाई से मेरी अभी बात ही चली थी भाई, बहुत ही शानदार गाड़ी है, वोल्सवैगन की वर्चुअस है ये। और बता दूँ ये गाड़ी अभी अंडर सर्विस पैकेज है टिल 2028 तक। मैं ये बोलूंगा भाई कि मतलब जो भी ये गाड़ी लेता है सबसे पहले पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट का ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, 23 मॉडल है, 2023 12,000 चली है और 28 तक परेशान भी होने की नीड नहीं है उसको। 2028 तक की कार के ऊपर एक भी रुपया नहीं लगाना किसी को भी, मतलब जो भी लेगा इस गाड़ी को। मतलब एग्जांपल के लिए जो भी इसकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, कुछ भी वेयर एंड टियर होगा तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होगा, सब कुछ कंपनी वेयर करेगी। सुन लिया ना आपने? कोई लेबर चार्ज भी नहीं देना किसी को, लेबर चार्ज भी नहीं है, लेबर चार्ज भी नहीं लगता किसी भी। ठीक है भाई, वैसे मैंने डिटेल तो बताई दी है, अब बात करेंगे प्राइस की। इस गाड़ी का प्राइस होगा 15,50,000 रुपए। नई कितने की आ रही है? नई आ रही है अराउंड 20 लाख रुपीज के आसपास की। और ये वेरिएंट कौन सा है भाई? टॉप लाइन वोल्सवैगन वर्सेस टॉप लाइन वेरिएंट है गाइस। 2028 आ गया, आपकी अंडर वारंटी गाड़ी है, ऑटोमेटिक है, सनरूफ है और मतलब फीचर से लोडेड है कार। आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं एंड नो डाउट मैं खुद बता रहा हूँ मुझे बहुत शानदार गाड़ी लगी, सही बता रहा हूँ। ये 2023 मॉडल की गाड़ी है और फाइनेंस भी कराना चाहो तो भाई इस गाड़ी के लिए 2-3 पेटी कम हो जाएगा, बहुत आराम से 2-3 पेटी दो और इस गाड़ी को अपने घर लेके जाओ। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, 28 तक तो चलो यार, आराम से हैसल फ्री होकर इस गाड़ी को चलाओ, बाद में आगे एक्सटेंड भी कराना चाहो वो भी हो जाएगी। अब ये आपकी आगे भाई, नो डाउट न्यू शेप अब आ चुकी है वरना की, लेकिन इसकी आज भी ये दीवानी वाली गाड़ी है सही में। मतलब इस जो वरना को पसंद करता है वो फेसलिफ्ट यही वाली लेगा। मैं जितने भी हमारे गुज्जर भाई है, यूपी के भाई है, सबके सबसे पहली पसंद यही गाड़ी है, इवन जाटों में भी भाई। और फिर सबसे अच्छी बात है आज की डेट के हिसाब से पेट्रोल ऑटोमेटिक है। अच्छा, 2020 पेट्रोल ऑटोमेटिक SX ऑप्शनल, 2020 मॉडल कार, सिर्फ और सिर्फ 36,000 किलोमीटर चली और पैसे सुनिए भी आप क्या 12.5 लाख रुपए। चलो जी 12.5 लाख में हम आपको देंगे ये वरना। और मैं ऑनेस्टली यार एक बात बोलूं कि जो न्यू शेप भी आ चुकी है ना वो इतनी शानदार नहीं है जो इस शेप नहीं में आती है। वो आजकल पसंद सही में वो नहीं, वो आती सही नहीं आती। इवन मेरे भाई की भी वही राय है, भाई को भी नहीं पसंद आती, ठीक है ना। सो गाइस ये हम आपको देंगे 20 मॉडल 12.5 लाख में ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी। अब ये उससे पहली वाली शेप है भाई, इसी की डिटेल होगी, सिल्वर कलर की गाड़ी है, 2019 मॉडल डीजल ऑटो है, कार अराउंड 40,000 चली है एंड आस्किंग प्राइस इज 10,50,000। ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है? ऑटोमेटिक है, डीजल ऑटो। तीनों गाड़ी आपको दिखाई है, तीनों आपकी सेडान ऑटोमेटिक है, ये आपकी डीजल में आ गई। हाँ जी। अगर हम बात करें भाई पेट्रोल में, जैसे ये वाली गाड़ी है एवरेज कैलोमीटर में 10-12 की दे देती होगी, बहुत प्यार से। अब यही डीजल पे आ जाए तो, ये डीजल पे आ जाओ तो 15-16 की, 15-16 की दे देती है आपको। चलो जी ठीक है, अब आओ आपको एक और गाड़ी दिखाता हूँ नेक्स्ट। अब ये आपकी आ गई है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस भाई, नो डाउट जब डिस्कंटिन्यू हुई थी यही वो लास्ट शेप थी जो डिस्कंटिन्यू थी, और कितनी शानदार है यार इसकी लुक देखो भाई। आज ही मतलब मैं बताऊँ 22-23 मॉडल की गाड़ी को ये मतलब लुक्स में वो मात देती है भाई, मात देती है लुक्स में भी, फीचर्स में भी। जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये कार आती थी इस जैसे फीचर्स किसी के अंदर नहीं आते। बस एक चीज की कमी है, सनरूफ की बस, ये तो टोयोटा के साथ शुरू से ही कमी रही है। नहीं लेकिन अब सुनने में आ रहा है भाई, जो नई टोयोटा आने वाली है जो डीजल हाइब्रिड आ रही है उसमें सनरूफ आने वाला है, उसके अंदर इवन वेलफायर होगी, कैमरी होगी उसमें मिलता है, लेकिन इसमें नहीं है, क्या था आने वाले टाइम में इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाएगा भाई। डिटेल की बात करेंगे, डिटेल की बात करेंगे भैया। 2017 मॉडल 77,000 चली हुई पेट्रोल की ऑटोमेटिक ऑल्टिस VL है, सिर्फ और सिर्फ पैसे, छोटे से पैसे 12.5 लाख रुपए में घर लेके जाओ। चलो जी, और ये आपकी पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल ऑटो भैया। तो चारों आपको गाड़ी दिखाई है फिर से, आपकी चारों ऑटोमेटिक है, आप पेट्रोल वेरिएंट, तीन इसमें पेट्रोल थी एक डीजल थी। अब नेक्स्ट ये भी आई थिंक ऑटोमेटिक है, ये भी आप पेट्रोल ऑटोमेटिक ZX 2017 सारी ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आया तो भाई हमारा सारी ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आया भैया, ज्यादातर ऑटोमेटिक है मेरे। चलो जी बात करेंगे भाई होंडा सिटी भाई, डिटेल होंडा सिटी 2017 मॉडल पेट्रोल ऑटो,
कार सिर्फ और सिर्फ 70,000 से 75,000 के बीच की चली है। मैं एक बात बोलूं भाई, नो डाउट गाइस, एक बार आप वीडियो में कंडीशन देखो और आप सामने भी आके देखना, किसी एंगल से लगा नहीं कि 70-75 हजार चल चुके भाई गाड़ी है। कार नॉन एक्सीडेंटल, नॉन मीटर टेम्पर्ड मिलेगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरे पास कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी, ना ही हम किसी कार का मीटर टेम्पर्ड करते हैं। कोई 17 चली है 17 बताऊंगा, 70 चली है 17 ही बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। कार की डिटेल लो भैया, कार सिर्फ और सिर्फ 9.5 लाख रुपए की, एंड मॉडल 2017 पेट्रोल ऑटो ZX। एंड बता दो, जितनी भी आपको गाड़ी दिखाता हूँ भाई के बाद, आपको ज्यादातर 100% ही लेके चलो, गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, क्योंकि भाई की ज्यादातर सारी लेटेस्ट के मॉडल होती है। अब आई थिंक यही वो गाड़ी जो अनरजिस्टर्ड है, ये वाली वो वाली कार है जो अनरजिस्टर्ड है भाई। ये देख लो, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, ये है आपकी टाटा नेक्सन। वैसे एक और करंट शेप आ चुकी है, लेकिन ये जो उससे पहले वाली शेप है और ये अनरजिस्टर्ड अवेलेबल है। अब सुनने में आ रहा है स्कॉर्पियो भी आने वाले अनरजिस्टर्ड, स्कॉर्पियो एन आने वाली है, मंथ एंड तक मेरे पास स्कॉर्पियो एन का लोड भी उतर जाएगा अनरजिस्टर्ड का। ओके जी, जल्दी वीडियो में लाएंगे आपकी वो भी। चलो जी बढ़िया है, बात करेंगे भाई डिटेल क्या होगी इसकी। डिटेल भी है 2022 मैन्युफैक्चर्ड है, फर्स्ट ओनर बिलिंग के साथ कार मिलती है, तो मतलब 24 रजिस्टर्ड होगी, 24 रजिस्टर्ड होगी कार, ठीक है। जो भी लेगा कार का फर्स्ट ओनर होगा। कार सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए हरियाणा नंबर लगाकर ऑन रोड का प्राइस बता रहा हूँ। मतलब अगर आप हरियाणा से आप हो तो आपको हरियाणा नंबर लगा के 12 लाख की मिलेगी। वो डिपेंड करता है अगर आपको दिल्ली के हिसाब से चाहिए, आपको यूपी के हिसाब से, तो वो जहाँ पे जो टैक्स होगा वो भी टैक्स उसके हिसाब से होगा, वो उस स्टेट के हिसाब से होगा। तो ये हम आपको देंगे 12 लाख की रेंज में देंगे। एंड भाई ये ऑटोमेटिक है मैनुअल? ये पेट्रोल मैनुअल है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर कार चली है। कार अगर अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको, आओ तो कार एक बार ये अंदर से देखिए आप। ये देखो कार के कंडीशन देखे एक बार आप। अब यही अगर हम बात करें भाई, जब ये वाली शेप आती थी, अगर यही कोई लेने जाता तो भाई कितने की पड़ती होगी? ऑलमोस्ट अराउंड 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 16 लाख के आसपास की पड़ती थी। 16 लाख की पड़ती थी, हम दे बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट, और 12 लाख की दे रहे हैं। इसमें भी टेंशन ना लो, जो मान सम्मान होगा आपको जरूर करके दिया जाएगा, क्योंकि आप आओ, आप भाई की वीडियो देखे आए तो आपको पक्का डिस्काउंट होगा। ठीक है, बिल्कुल भैया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये आपकी आ गई है एक और अलग ही ड्यूल टोन में गाड़ी। ये भी आके ड्यूल टोन में थी, अब ये भी आके ड्यूल टोन में। ये नेक्सोन है भैया, काजीरंगा एडिशन, पेट्रोल मैनुअल, 2022 मॉडल है ये भी, पर ये कार रजिस्टर्ड है। ठीक है, बेसिकली काजीरंगा एडिशन ड्यूल टोन में आता था। इसके अंदर सनरूफ आता है, वेंटिलेटेड सीट्स आती है, सारी चीजें आती है। इसमें सनरूफ नहीं है? नहीं, उसके अंदर सनरूफ नहीं है भैया। ठीक है जी, ये एडिशन था इस वजह से इसके अंदर सनरूफ आता है। उसके अंदर लग्जरी मॉडल आते थे, उसके अंदर सनरूफ। ठीक है जी, ये कार है 2022 मॉडल, 9,000 किलोमीटर चली, पेट्रोल की, मैनुअल, दिल्ली नंबर, सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख रुपए में। 11.5 लाख रुपए में, ओके जी, ठीक है। अब गाइस हमने आपको नेक्स्ट दिखाएंगे जो कि आपकी किया की सोनेट है। ये आपकी है GT लाइन, जो कि टॉप ऑफ द लाइन होती है भाई। टॉप ऑफ द लाइन किया सोनेट 7 गियर DCT है, ये ऑटोमेटिक कार है। एंड कार सिर्फ और सिर्फ 15,000 किलोमीटर चली है। ठीक है, 2022 मॉडल होने वाला है कार का। HR26 कार रजिस्टर्ड है। And asking price is 13.5 लाख। ठीक है जी, और गाइस ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है गाड़ी। टॉप ऑफ द लाइन। नेक्स्ट अब आपकी आज के Hyundai की Venue। Venue होने वाली है भैया, डीजल 2020 मॉडल, SX, ओके, विद सनरूफ, विद अलॉय, सब कुछ, डीजल मैनुअल कार होने वाली है। कार सिर्फ और सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली है। एंड आस्किंग प्राइस इज 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए, ठीक है जी। आओ अब आगे आपको दिखाता हूँ गाइस, ये है आपकी गाइस MG की Aster। यार अगर हम बात करें भाई, कह रहे इसकी साइड प्रोफाइल देखो भाई, पूरी जैसे MG की ZS CV आती है, वही पूरी लुक में गाड़ी दे रखी है। सेम लुक है भैया, EV और Aster की बिल्कुल डिट्टो लुक है। बेसिकली यहाँ की पेट्रोल में आ गई आपकी? ये पेट्रोल की आ गई। ठीक है भाई, डिटेल की बात करेंगे। ये पेट्रोल 2023 मॉडल Aster स्मार्ट है, पेट्रोल की, मैनुअल। कार सिर्फ और सिर्फ 2200 किलोमीटर चली है भैया। ओनली 2200 किलोमीटर। ठीक है जी, 23 मॉडल है, दिल्ली नंबर लगा हुआ है कार के ऊपर। एंड आस्किंग प्राइस इज 13.25 लाख रुपीज। 13,25,000 में आपको देंगे पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे निसान की मैग्नेट। मैंने भाई ये देखा है निसान की ये वाली गाड़ी ने बड़ी भाई मतलब मार्केट में मतलब कैप्चर की है, बहुत चली वाली गाड़ी। ज्यादा तरीके से कैप्चर करी है निसान की मैग्नेट ने, निसान की चली सबसे ज्यादा चलने वाली। आई थिंक हम कितनी और बात करें, कितनी निसान की गाड़ियां आई और गई है भाई, इस गाड़ी का एक रॉब है, ये सब दबदबा बनाया इसने मार्केट में। हाँ, नहीं तो ज्यादा दिन रुकती नहीं थी। ट्रेनो चली थी और उसके बाद ट्रेनो के बाद मैग्नाइट चली है, और एक माइक्रा चली थी शुरू में। माइक्रा तो बहुत पहले चली। हाँ, सही बात है भाई, डिटेल की बात करेंगे। डिटेल की बात करें 2021 मॉडल की पेट्रोल की, मैनुअल कार है, 26,000 किलोमीटर चली है। आस्किंग प्राइस इज 7.25 लाख। चलो जी 7 लाख, और पेट्रोल में भाई? पेट्रोल मैनुअल भी है। पेट्रोल मैनुअल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है लैंड रोवर की डिस्कवरी। आपकी 5 सीटर 7 सीटर है भाई? भैया 7 सीटर कार है। तो 7 सीटर में आपकी आ चुकी है, ड्यूल टोन में है, रेड एंड ब्लैक के कॉम्बो में। भाई बात करेंगे डिटेल। भैया डिटेल है HR13 नंबर, 2019 मॉडल, डीजल ऑटो कार है।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली है, आस्किंग प्राइस 41 लाख रुपीस। 41 लाख में कहता हूं आपको देंगे लैंड रोवर की डिस्कवरी लग्जरी 7 सीटर वेरिएंट। अब नेक्स्ट अब आपके आज के मर्सिडीज बेंज की जीएलई 250 हाँ, और गैस देख लो नंबर देख लो, इसमें फैंसी मिलता है 9999 ठीक है जी, नंबर ही फैंसी। 18 मॉडल डीजल ऑटो कार चली 70,000 है और सिर्फ और सिर्फ 39 लाख रुपीस की, 39 लाख में आपको देंगे जीएलई। ठीक है, अब आओ हम आपको एक और दिखाते हैं। अब तीन जो है गाड़ियां दिखाने वाले, तीनों सबसे फेवरेट गाड़ियों में से एक है। तो भाई नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है, नेक्स्ट अब ये अपनी इनोवा क्रिस्टा 2022 मॉडल है, पेट्रोल की मैनुअल। ठीक है, कार सिर्फ और सिर्फ 23,000 किलोमीटर चली है भैया। HR नंबर होने वाला है इसका, एक बार इसका भी नंबर बताओ आप। इसका नंबर है 5500 नंबर के साथ है भैया गाड़ी। ठीक है, आस्किंग प्राइस इज 16,90,000 में आपको देंगे मैनुअल वेरिएंट। जी है या VA है? जी है भैया जी। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट गैस अब आपके आ चुके हैं। भाई एक बार दूं इसका, ये भी कलर यूनिक ही निकाला, यूनिक कलर निकाला था बिल्कुल। सो बात करेंगे अब, ये जो हम गाड़ी देख रहे हैं, दो XUV 700 अवेलेबल है, पहले इस गाड़ी की बात करेंगे भाई। XUV 700 डीजल मैनुअल है, AX5 कार सिर्फ और सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है, 2022 का वेरिएंट है। तो ये आपकी 7 सीटर में आती है आपकी? 7 सीटर में डीजल मैनुअल AX5। ठीक है, कार 20,000 किलोमीटर चली, ब्लू कलर, HR 51 नंबर है, कार अंदर से बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अच्छा, कार की आस्किंग प्राइस है 18,95,000 में आपको देंगे डीजल मैनुअल 7 सीटर वाली। 7 सीटर। ठीक है जी, और भाई अंदर से ब्रांड न्यू है गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अब आज के ब्लॉग में लास्ट गाड़ी दिखाएंगे आपको एक और XUV 700, वो थी ब्लू कलर में, वो थी मैनुअल, ये ऑटोमेटिक मैनुअल है भाई, ऑटोमेटिक पेट्रोल की। ठीक है जी, ये लास्ट गाड़ी नहीं, इसके बाद अभी हम आपको दो गाड़ी और दिखाएंगे। अच्छा, दोनों जो अंदर खड़ी है। हां जी, चलो जी ठीक है। ये कार है अपनी XUV 700 AX7 पेट्रोल ऑटो, कार सिर्फ और सिर्फ 31,000 किलोमीटर चली है, HR 26 का नंबर है, AX7 वेरिएंट है, एंड आस्किंग प्राइस इज 22 लाख रुपीस। एंड AX7 आपका 7 सीटर वेरिएंट है? 7 सीटर वेरिएंट। तो ये मॉडल कौन सा है? 22 मॉडल ऑटोमेटिक पेट्रोल ऑटो AX7। ओके जी, ओके ठीक है। सिर्फ 31,000 चली है, आस्किंग प्राइस इज 22 लाख। ठीक है, सो चले गए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर एंड दिखाता हूँ अंदर ही कार कलेक्शन। आइए, तो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले आपको दोनों गाड़ी दिखाने वाला हूं, दोनों आपकी Hyundai ब्रांड की है, एक है आपकी सेडान एंड एक है आपकी SUV। भाई नो डाउट दोनों गाड़ियों में ना फीचर भर भर के मिलते हैं, भर भर के हैं भैया। ये है Hyundai का वो प्रोडक्ट है जो बिल्कुल प्रीमियम वाले में आता है, प्रीमियम है मतलब दोनों गाड़ी प्रीमियम में आती है Hyundai की। तो ये गैस आपकी है Hyundai की Elantra है, जो करंट शेप वाली है अभी फिलहाल जो आ रही है, करंट शेप से पहले वाली है, करंट शेप से पहले वाली शेप है। ठीक है भाई, बात करेंगे इसकी क्या रिटेल होगी। कार 2021 मैन्युफैक्चर, 22 रजिस्टर्ड है, डीजल की मैनुअल कार है, कार सिर्फ और सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली, चंडीगढ़ नंबर, आस्किंग प्राइस इज 17,50,000 ओनली। 17,50,000 में SX वेरिएंट है कार विद सनरूफ। ओके जी ठीक है, अब आज के ब्लॉक की गैस लास्ट गाड़ी भाई, ये गाड़ी भाई इसमें मैसिव आपको बूट स्पेस मिलता है, 600 लीटर प्लस बूट स्पेस मिलता है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, सनरूफ मिल जाता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक इसमें आपको मिलती है, इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक मिलती है, एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी है। बड़ी बात नहीं, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात, इस कार के अंदर आपको प्रीमियमनेस मिलती है, वो तो है भाई। ये कार है Hyundai Tucson पेट्रोल ऑटो GLS, ठीक है, 2021 मॉडल, उड़ीसा का नंबर है। उड़ीसा का नंबर की एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने दिल्ली NCR के अंदर आपको रश ज्यादा मिलेगा गाड़ी रोडों पे, गाड़ी लगती जल्दी है, गाड़ी टुकती पिटती ज्यादा है, रोड खराब है, जल्दी टूटती है। उड़ीसा की, तमिलनाडु की, बाहर की गाड़ियां लेने का एक फायदा ये है पेट्रोल का, कार बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट की है, एंड कार के ऊपर आज तक सिंगल स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर। मतलब दिल्ली हरियाणा से बाहर के लोग ज्यादा गाड़ी संभाल के रखते हैं, गाड़ी बहुत ज्यादा साफ मिलेगी आपको, वो तो है भाई। इस पे आज तक एक सिंगल डॉट का स्क्रैच नहीं है, और बंपर टू बंपर ओरिजिनल है गारंटी के साथ, वो तो है भाई। गाड़ी शक्ल बता रही है, बात करेंगे प्राइस की। 23,000 किलोमीटर चली है, पेट्रोल ऑटो GLS 2021 मॉडल, एंड आस्किंग प्राइस इज 23 लाख रुपीज। ओके जी, 23 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी। एक और भी अच्छी चीज है मेरे पास, क्या चीज? अगर आप इस कार को हरियाणा नंबर करवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर हरियाणा नंबर के साथ करते हैं तो 24.5 लाख रुपीज। अच्छा, 24, मतलब एक पेटी का खर्चा जाएगा मतलब। ओके जी, सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कोई भी क्वेरी है तो सामने अंकित भाई के यहाँ पे नंबर मेंशन डाले, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गाड़ी देखनी है तो आपको आना पड़ेगा गुड़गांव में, जहाँ पे लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं। भाई एक बार लोकेशन बता दो कि क्या, अगर आप आना चाहते हो। 47 सोना रोड, स्पेस बुलेवार्ड की बिल्डिंग है, IGM टोयोटा के बिल्कुल साथ।
बाकी आप लोकेशन डाल दोगे इसमें तो आपको सीधा वो भाई की लोकेशन पे लाके उतारती है, गूगल मैप्स की लोकेशन, एंड बाकी सामने नंबर मेंशन रहा है। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे को और भाई को जाके फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगी इन सारी गाड़ियों की शॉर्ट फॉर्म की रील्स देखने को। तो चले गए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।